दोस्तों, तो आज एक नए ब्लॉग पे और एक नए एडवेंचर के लिए मैं निकल पा रहा हूँ और आप देख सकते हो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। बहुत जल्द मेरा बस आएगा, फिर यहाँ से मैं अंबिकापुर जाने वाला हूँ। वहाँ से फिर कहाँ जाता हूँ सारा चीज़ दिखाता हूँ आपको। इतना सर दुख रहा है आज ट्रैवल करके, 4 घंटे का रास्ता है। ऑटो में बैठ गया हूँ, यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है। यहाँ पे ठंडा है और जैसे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे ठंडा जगह यहाँ पे है, अंबिकापुर को सबसे ठंडा जगह माना जाता है। अब मैं अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का रेलवे स्टेशन। जो देखे हैं वो तो जान ही रहे हैं और जो नहीं देखे हैं, इतना बेहतरीन मेरे को लगता है जब भी स्टेशन में आता हूँ। मतलब ऐसा फील होता है कि मैं किसी राजा महाराजा के घर आया हूँ। और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है। देखिए ये यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा, और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। आपको देख के ऐसा लगेगा कि कहीं का महल है ये, जहाँ तक मेरे को लगता है महल से कम भी नहीं है। और जैसे आप जानते हैं अंबिकापुर राजा महाराजाओं का गढ़ है। यहाँ के जो महाराजा है TS सिंहदेव, जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, अब उनका शहर है। तो कैसा हो सकता है आप जान ही सकते हैं, देख रहे हैं ये अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन। एंट्री है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बोले तो रेलवे स्टेशन। टिकट काउंटर, यहाँ से भी टिकट लेंगे। बजे ट्रेन है, पता नहीं 6 बजे भी आएगा कि नहीं आएगा। सर दुख रहा है, हालत ख़राब हो जा रहा है यार सर। बस बैठा हूँ, देखो कहाँ पे बैठा हूँ, बाहर में। जब भी सर दुखे थोड़ा चाय पी लो, थोड़ा राहत तो मिल ही जाएगा। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली मेरे को कार मिल गया। इसी कार में मैं जा रहा हूँ अनूपपुर कोटमा, तो मेरे को ट्रेन का वेट अब करना नहीं पड़ेगा, जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा। तो आज का टाइम और गुड लक।
अपनी मंजिल की ओर। और ख़ास बात यह है कि मैंने अभी तक घर में बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ करके, और मैं अपनी जो छोटी बुआ है उनके यहाँ शादी है उसी में आया हूँ। और आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो आप देखते रहें और क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अभी हाईवे में हूँ, अभी एक दोस्त आ रहा है लेने के लिए मेरे को, और आगे का क्या सरप्राइज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो पहले पूछ लूँगा ना कहाँ पे करके। हेलो गाइस, देखो भाई आ गया मेरे को लेने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ घर। आगे का सरप्राइज़ देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। थोड़ा मस्ती कर लेते हैं कॉल करके। क्या कर रही है रे? खाना खा रही थी। कहाँ आप? आपके लिए नहीं आऊँगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अरे पागल समझ ना बात को यार, आ जाते यार। अरे मेन क्या हो गया ना, देख उसी दिन ना दोस्त का भी शादी है, समझ रही है? मेन वही चीज़ का दिक्कत हो जा रहा है मेरे को। अरे नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तेरी शादी में आऊँगा पागल। मेरे शादी में नहीं होगा, नंगा नहीं मार दूंगी। तो आना जरूरी है शादी में? कोई बात नहीं फिर। चल ठीक है फिर। चल ठीक है फिर। तो आगे का होगा? कहाँ पे? नहीं करता हूँ तो क्या करूँगा अब मैं? मैं बोली आप आए और मैं वहाँ देखो, आप मेरे को झूठ बोले थे, मेरे को झूठ बोले थे। नहीं आऊंगा मैं, झूठ बोले थे। चलो उतारो, ये सबके साथ प्रैंक हो गया। दो चार राउंड मार लो उसमें। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाता हूँ क्या क्या होता है नहीं होता है। मेरी पीसी इनसे मिल लिया हूँ। कहाँ मैं अंधेरा उजाला में करना है? उजाला में ये देखिए। हेलो, हेलो गाइस, हाय, ये भी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।